कसम खुदा की, तेरे कुत्ता ने बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान है। बिग बॉस 11 का वो कंटेस्टेंट आपको याद है जिसे सलमान खान ने नेशनल टेलीविजन पर धमकी दी थी? हम जुबेर खान की बात कर रहे हैं। जुबेर ने शो में पहले ही हफ्ते कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। सलमान संग उनकी तकरार शो से आउट होने के बाद भी चली, लेकिन आज 6 साल बाद जुबेर के तेवर नरम पड़ गए हैं। कभी सलमान को कोसने वाले जुबेर आज उन्हें सलमान भाई कहते हैं। जुबेर अपनी जिंदगी में काफी परेशान और हताश हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। सलमान खान से पंगा लेने के बाद उनकी किस्मत ऐसी डूबी कि जेल जाना पड़ा, बेरोजगार हो गए, मां ने दुनिया छोड़ दी। हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दी इंटरव्यू में जुबेर खान का दर्द छलका। जानते हैं कभी रौब में रहने वाले जुबेर आज किस हाल में जी रहे हैं। जुबेर ने बताया कि बिग बॉस में जाना उनकी जिंदगी का सबसे घटिया फैसला था। इस शो से उन्होंने कुछ पाया नहीं बल्कि खोया ही है। जुबेर कहते हैं, बिग बॉस और सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे इंडस्ट्री के मेरे किसी दोस्त ने काम नहीं दिया, न तकरीबन इंडस्ट्री से आउट हो चुका हूँ। इसके लिए मैं सलमान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे नल्ला डॉन कहा था। बिग बॉस से पहले मेरी किस्मत अच्छी थी, लोग मुझे ढूंढकर बुलाते थे। बिग बॉस की कंट्रोवर्सी में मेरी अम्मी चली गई, मेरा नंबर ऑनलाइन कर दिया गया। मैंने सलमान खान पर केस किया, लेकिन उनके वकीलों ने मुझे झूठे केस में फंसा कर 3 महीने जेल के अंदर करवाया। इस टेंशन में मेरी माँ ने 3 महीने खाना नहीं खाया और चल बसी। मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा था, बेटा सलमान खान पर केस मत कर, उनकी माँ को भी दुख होगा। मैंने केस वापस लिया, पर सलमान खान के वकीलों ने मुझे कोर्ट में गैंगस्टर बताया और कहा कि मैं वसूली करता हूँ। अगर मैं गैंगस्टर होता तो एक्टिवा पर नहीं घूम रहा होता। लोग आज मुझे काम दे रहे हैं, वो कहते हैं, यार आपने सलमान खान से पंगा लिया है, जो मैंने कमाया वो खो दिया, नेम फेम मनी कुछ नहीं मिला, मेरी फैमिली भी वापस नहीं मिली। जुबेर ने बताया वो डिप्रेशन के मरीज है, पिछले 16 साल से हैवी मेडिकेशन पर है। वह कहते हैं, मुझे बहुत बुरा ख्याल आया कि मैं फांसी लगा लूं। मैं सोचता था कि मेरी अम्मी भी नहीं है, बच्चे पत्नी भी साथ नहीं है, तो सोचा अपनी लाइफ खत्म कर देता हूं। अम्मी के जाने के बाद मेरा सब खत्म हो चुका था। मैंने 2-3 बार खुदकुशी की कोशिश की, पंखे पर दुपट्टा लटकाया, लेकिन खुद को मार नहीं पाया। ये इस्लाम में गलत माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे बच्चे जरूर मुझे वापस मिलेंगे। सलमान भाई के स्टेटमेंट से मेरी इमेज तो डैमेज हुई, वो आज तक कोई भर नहीं पाया। जुबेर कभी फिल्म मेकर थे, उन्होंने खुलासा किया था कि फिल्म लकीर से फकीर को उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। जुबेर ने बताया कि सलमान खान की वजह से उनके अपने उनसे दूर हो गए, सभी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बताया कि वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं दे रहा है। जुबेर खान अब एक छोटा सा होटल चला रहे हैं, उससे वो अपना घर चलाते हैं। आपको जुबेर खान की हालत पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।